मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को दिखाते हैं जो हाईवे से हटकर कहीं जा रहे हैं और साथ ही ये तीनों गांजे के नशे में भी है। इसी बीच अचानक हाईवे पुलिस का कार उनका पीछा करने लगती है। पुलिस को देखकर हर कोई डर जाता है और अपनी सारी चरस पीछे बैठे दोस्त को खिला देते हैं और बचे हुए गांजे को सड़क पर ही फेंक देते हैं। इसके बाद इन लोगों ने कार को साइड में रोकते हैं। फिर दो हाईवे पुलिस अधिकारी ने उनके पास आकर उनका लाइसेंस दिखने के लिए बोलते हैं और फिर लाइसेंस चेक करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो पुलिस फिर उनके पास आते हैं और फिर से उनका लाइसेंस मांगता है, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आती है ये क्या हो रहा है। तभी एक कार तेजी से उनके पास से गुजरती है, तब पुलिस ने उनका पीछा करने लगते हैं और साथ ही उन तीनों दोस्तों को भी वो अपने साथ ले जाता है। इसका पीछा करते हुए वो सीधा बार में जाता है और यहाँ हमें पता चलता है वह शख्स भी एक हाईवे पुलिस अफसर से है जो इन अफसरों का दोस्त भी है और इसका नाम मैक है। दरअसल ये सभी अधिकारी अपना टाइम पास करने के लिए लड़कों का मजा ले रहे थे। इन चार अधिकारियों के नाम थोर्नी, रैबिट, मैक और कार्ल हैं। और ये चारों अपनी ड्यूटी को कभी सीरियसली नहीं लेते और इस तरह के गेम्स खेलकर अपना टाइम पास करते रहते हैं। बाद में चारों रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं जहां कुछ लोकल पुलिस कर्मी भी आए थे, लेकिन लोकल पुलिस और हाईवे पुलिस एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और वो हमेशा एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। उसमें से एक लोकल पुलिस में उर्सुला नाम की एक लड़की है जिसे कार्ल काफी पसंद करते हैं। कुछ देर बाद हाईवे पुलिस और लोकल पुलिस रेस्टोरेंट के अंदर मारपीट करने लगती है और उनका सीनियर जॉन आकर उन्हें रोकता है। जॉन स्टेशन में सबको बताता है कि उन लोगों को अपने काम को गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। उनमें से एक फरवा नाम का अधिकारी भी था जिसे रोड ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है और वह अपना पूरा समय स्टेशन के काम में लगाते हैं, जैसे कॉफी बनाना और बाथरूम साफ करना। जॉन सभी अधिकारियों को सुधार करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता और अगले दिन भी वह हाईवे से गुजरने वाले लोगों के साथ मजाक करता रहता है। फिर उन्हें रेडियो पर बताया जाता है कि हाईवे के पास एक वैन पड़ी है, तो वो उसका इन्वेस्टिगेट करने को भेजे जाते हैं, लेकिन वहां जाके देखे तो वो लोकल पुलिस पहले ही वहां आ गई होती है और उन्होंने जांच भी शुरू कर दी है। वैन के अंदर उन्हें एक लड़की की लाश भी मिली है जिसके शरीर पर बंदर का टैटू बना हुआ है। तब पुलिस चीफ ग्रेडी और थॉर्नी के बीच इस केस के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और वो सारे फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। फाइनली थॉर्नी ने इस केस को लोकल पुलिस को हवाले करते चले जाता है। बाद में उन सभी को स्टेशन हेड जॉन से डांटा पड़ती है क्योंकि एक मर्डर केस को अपने हाथ से जाने क्यों दिया। और अगले दिन वो सारे एक बेसबॉल गेम देखने जाते हैं जहां कार्ल उर्सुला के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उर्सुला भी कार्ल से इम्प्रेस हो रही होती है, लेकिन तब बेसबॉल उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और बाद में उर्सुला ने अपने सीनियर को बताती है कि वो ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो रही है और उन्हें बाहर जाकर कुछ फील्ड वर्क करना चाहती है, लेकिन उनके सीनियर्स ने उन्हें कभी सीरियसली नहीं लेते और उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। अगले दिन कार्ल और मैक पेट्रोलिंग पर जाते हैं और एक ट्रक को रोकते हैं और मस्ती करने के लिए उनसे करना शुरू करते हैं। तब ट्रक ड्राइवर उन्हें बताता है कि वह बस कुछ सूप के साथ जा रहा है, लेकिन कार्ल और मैक ट्रक की जांच करने के लिए अंदर जाते हैं। तब वह ट्रक ड्राइवर ने दोनों को अंदर बंद करके वहां से भाग जाता है। करीब दो घंटे बाद थॉर्नी वहां आता है और ट्रक का दरवाजा खोलता है। इसके बाद उन्हें पता चला कि इस ट्रक से करीब 150 किलो चरस की सप्लाई की जा रहा है और इन पैकेट्स पर मंकी टैटू भी है जो उस बच्ची की लाश पर मिला था। जॉन कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है और उन्हें जल्द ही सुलझाना है। बाद में वहां के मेयर भी आते हैं जो अखबार के लिए फोटो खिंचवाने के लिए, और वो बताता है कि कुछ ही दिनों में गवर्नर अपने नगर में आ रहे हैं और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट पर बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। अगले दिन थॉर्नी और रैबिट ने एक कपल को पकड़ लेते हैं जो तेज गति से कार चला रहे थे। तब रैबिट ने उनके पास जाकर चेक करने लगते हैं। तब कार में बैठी हुई लड़की ने रैबिट को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और उसका बॉयफ्रेंड भी ऐसा कहता है कि वो चाहे तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी कर सकता है और उनको बस जाने देना है। ये सुनकर रैबिट ने लड़की को बाहर बुलाता है और उसे किस करने लगता है। दूसरी ओर थॉर्नी को पता चलता है कि ये कार चोरी का माल है। बाद में वो उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। अगले दिन जॉन सीधा लोकल पुलिस की चीफ ग्रेडी के पास जाता है और उसे बताता है कि हमें कुछ वीट्स के पैकेट मिले हैं और उसके ऊपर एक मंकी टैटू भी है और जरूर इसमें उस लड़की की हत्या से कुछ लिंक है। और जॉन चाहता है कि लोकल पुलिस और उन्हें मिलकर इस केस को सुलझाना चाहिए। ये सुनते ही ग्रेडी जॉन की बात पर हंसने लगता है
और उसे सीधा मना कर देता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं, वो थॉर्नी ने उस कपल को जेल की बजाय अपने घर ले आया है और थॉर्नी ने उस लड़की के साथ घपाघप भी करता है और यहाँ काल फिर भी उर्सुला के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उर्सुला उससे इम्प्रेस भी हो जाती है और दोनों उस स्टेशन के पीछे उसी वेन में घपाघप करने लगते हैं। तब उस वेन के अंदर का बेड टूट जाता है जिससे दोनों को काफी चरस मिलती है और काल स्टेशन के अंदर एक पैकेट ले जाता है और जॉन को इसके बारे में बताता है। तब जॉन ने उन सभी को इन्वेस्टिगेशन में रखता है क्योंकि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसका डिपार्टमेंट को बंद किया जा सकता है और जॉन ने फरवा को सस्पेंशन से हटाकर ड्यूटी पर लौटने के लिए भी कहता है। और बाद में जॉन एक बार फिर से ग्रेडी को फोन करता है और उससे मदद मांगता है इन चरस मामले के स्मगलर्स को पकड़ने के लिए, लेकिन ग्रेडी उसकी बात नहीं सुनता और सीधा मना कर देता है। लेकिन वहीं उर्सुला लोकल पुलिस में होते हुए भी काल के साथ थी क्योंकि उन्हें अपने डिपार्टमेंट के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने कभी भी उन्हें फील्ड वर्क करने नहीं देते हैं और वो काल से वादा करती है कि वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं बताएगी कि उस वेन में चरस भरी हुई है। अगले दिन ड्यूटी पर फरवा और थॉर्नी लंच के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कैशियर ने फरवा के साथ मिसबिहेव करता है तो फरवा उसे पीटने लगता है और इसलिए लोकल पुलिस ने फरवा को गिरफ्तार करते हैं और उसे नंगा करके उसका मजाक उड़ाते हैं। और बाद में ग्रेडी उसे बताता है कि आपका डिपार्टमेंट जल्द ही बंद हो जाएगा और आगे कहता है कि अगर तुम मुझे तुम्हारे साथियों की डीड्स की जानकारी देंगे तो मैं आपको लोकल पुलिस में शामिल कर लूंगा। फिर ग्रेडी फरवा से पूछता है, ड्रग स्मगलर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? लेकिन फरवा उसे कुछ नहीं बताता और उस ऑफर को ठुकरा देता है और वापस आ जाता है। जब फरवा वापस स्टेशन आता है फिर जॉन ने उन्हें हमेशा के लिए रोड ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया। हाईवे पुलिस कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसमें उनकी जांच आगे नहीं बढ़ पाती है। ये सब देखकर जॉन सारे अफसरों को बताता है कि उनका डिपार्टमेंट कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, हम सभी अपनी नौकरियां खो देंगे। उसकी शाम में काल और उर्सुला रात के खाने के लिए मिलते हैं और उर्सुला काल को एक विचार देती है कि राज्यपाल जब इस कस्बे में आएंगी तो पार्टी के दौरान ड्रग्स पर भाषण भी देंगी और साथ ही अगर हाईवे पुलिस ड्रग के पैकेट बरामद करती है इसलिए राज्यपाल अपना विभाग बंद नहीं करेंगे और फिर वो लोग उस वेन में रखे गांजे के पैकेट राज्यपाल को दिखा सकते हैं और उस वेन को लोकल पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में भी उर्सुला उसकी मदद करेगी। काल ने इस विचार को अपने सभी साथियों के साथ साझा किया और हर कोई एक योजना बनाता है। अगले दिन मेयर और राज्यपाल पार्टी में पहुंचे, वहीं दो पुलिसकर्मी ही थाने में मौजूद हैं। अचानक उन्हें किसी अजीबोगरीब घटना के बारे में बहुत सारे फोन आते हैं और दोनों अधिकारी थाना छोड़कर जांच करने चले जाते हैं। यहां थॉर्नी और काल ने स्टेशन में प्रवेश किया और वेन चोरी कर ली और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही पार्टी में पहुंचे। लेकिन थॉर्नी और काल अंदर जाकर देखते हैं कि लोकल पुलिस पहले भी इन नशीले पदार्थों को बाहर निकाल चुकी है और ग्रेडी ने उन्हें खोजने का पूरा श्रेय लिया है। और फिर लोकल पुलिस के कार्य को देखकर राज्यपाल लोकल पुलिस की प्रशंसा करके वहां से चले जाते हैं। काल ने उर्सुला को दोष दिया कि उसने उन्हें धोखा दिया था और पूरे प्लेन की लोकेशन बता दी और ग्रेडी को तैयार हो गया। ये सुनकर उर्सुला को बहुत बुरा लगती है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर गुस्से में उर्सुला काल को हॉबी देकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद हाईवे विभाग बंद होती है और सभी अधिकारी अपना अंतिम दिन मनाते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं। तभी उन्हें लॉकर रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जांच करने जाते हैं तो आइए देखते हैं, वहां फरवा ने लोकल पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। ये देखकर उन्हें पता चल जाता है उस फरवा ने उसके साथ विश्वासघात किया है और उसने अपना सारा प्लान ग्रेडी को बता दिया। बदले में ग्रेडी लोकल पुलिस में फरवा में शामिल हो गए। ये जानकर सभी उनसे बहुत नाराज हो जाते हैं और उससे उनकी वर्दी छीन लेते हैं और उसे बाथरूम में बांध दिया और फिर उसकी पुलिस की गाड़ी लेकर घूमने निकल जाते हैं। वहीं काल लोकल रेडी से उर्सुला से बात करता है और उसे सॉरी बोलें और उर्सुला उसे उस पर शक करने के लिए कहती है कि वो लोग अब भी लोकल पुलिस से बदला ले सकते हैं और फिर उन्हें एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। वो सभी उस स्थान पर उर्सुला का इंतजार करने लगते हैं। फिर वही ट्रक ड्राइवर उनके सामने से निकल जाता है जिनके ट्रक से ड्रग्स मिली थी और वह एयरपोर्ट जा रहा था। ये सभी अधिकारी उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन फरवा उन्हें यहाँ आकर रोक देता है। लेकिन मैं धोखा देने के लिए माफी मांगता हूँ और सभी उसे माफ भी कर देते हैं। और फिर वो सभी उस ट्रक का पीछा करते हैं और एक एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ वो लोकल पुलिस स्मगलर्स के साथ नजर आ रहा है। ये देख हाईवे के अधिकारी समझ गए
की लोकल पुलिस की नशा स्मगलर से मिलीभगत है। इसी बीच उर्सुला भी वहां आ जाती है, मानो उन्हें इसके बारे में पहले ही पता चल गया हो और वो ये सब हाईवे के अधिकारियों को दिखाना चाहती थी। इसके बाद क्योंकि उर्सुला को उनके विभाग के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और फिर कुछ दिनों बाद जॉन को राज्यपाल का पत्र मिलता है जिसमें वे उन सभी को थैंक यू कहती हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें हाईवे पुलिस की नौकरी वापस नहीं मिलती है। इसके बाद कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है और उसके बाद हमें थोर्नी और रैबिट दिखाई देते हैं जो बियर की डिलीवरी कर रहे थे और वो बियर की कैन लेकर उसी लड़के के घर जाते हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और जिसे भी उन्होंने तंग किया था। अब ये तीनों लड़के भी उनके साथ मस्ती करने लगे क्योंकि अब ये पुलिसकर्मी नहीं थे, लेकिन फिर खुलासा हुआ है वो थोर्नी और रैबिट डिलीवरी बॉय नहीं है बल्कि ये लोकल पुलिस है। गवर्नर ने ग्रेडी और उनकी टीम को जॉन और उनकी टीम के साथ लोकल पुलिस के रूप में बदल दिया और ये सभी यहाँ नशा करने वालों को पकड़ने आए थे। और इसी तरह यहीं पर फिल्म का एंड होती है।